सबसे पहले गौरव भाटिया, आप पर सीधा सीधा आरोप ये लग रहा है कि ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है उसे मुस्लिम लीग से आप जो तुलना कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है, भ्रम फैलाने की कोशिश है। देखिए रूपिका जी, मैं आपको बताता हूं बिल्कुल स्पष्टता से क्यों मुस्लिम लीग जो जिन्ना की थी और आज की कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले मैनिफेस्टो की ही बात कर लेते हैं। रूपिका जी, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल स्पष्टता से ये लिखते हैं कि बहुसंख्यकवाद की इस देश में कोई जगह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है, 80% है। 80% हिंदू इतना सहिष्णु है कि उसने स्वयं पंथ निरपेक्षता का रास्ता अपनाया और जो मुसलमान भाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सबको बराबर का स्थान और दर्जा मिले ये सुनिश्चित हुआ। क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में कहने की? इसकी पहली वजह क्या है मालूम है? तुष्टिकरण की राजनीति करना, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि हम तो एक मुस्लिम पार्टी है, ये पहले कह चुके हैं। ये भी सत्य है कि हिंदुओं को आतंकवादी बता के हिंदू आतंकवाद कहा है। तो मेरा पहला जो आपत्ति है वो इस बात पे है कि आपने कहा बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपका काम है हिंदुओं को ठेस पहुंचाना। दूसरी बात, इसी मैनिफेस्टो में दो बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है। ये लिखा है प्रश्न 6 में कि हम एक इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे ये जानने के लिए कि जनता के पास कितना धन है। रूबिका जी, इकोनॉमिक सर्वे करा के ये पहले पता लगाएंगे कि किसके पास कितना धन है, जिसमें मठ भी आ जाएंगे, जिसमें मंदिर भी आएंगे और जो बाकी लोग हैं वो भी आ जाएंगे। और उसके बाद इन्हीं के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम उनको बांट देंगे जिनके पास संपत्ति नहीं है। अब रोहिंग्या से इनका कितना प्यार है ये हम सब जानते हैं, इनके समय में घुसपैठिया अंदर भी आई ये भी जानते हैं। मतलब आप बहुसंख्यक का रुपया लेंगे, धन लेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। बांटेंगे रोहिंग्या मुसलमान, आप ये बिंदु अपने आप से ज्वाइन कर रहे हैं, 2+2=4 कर रहे हैं, ये आप अपनी तरफ से 10 सेकंड में जवाब दीजिए और उसके बाद मैं। चलिए रूबिका जी, एक सवाल फिर मैं भी पूछता हूँ। हाँ, मैं पूछ लूँ अगर आप इजाजत दे। बोलिए बोलिए बोलिए। आप मुझे ये बताइए, हमने तो 2+2=4 बताया है जो उचित है, लेकिन जब एनआरसी की बात होती थी, सीए की बात होती थी, हम सीए में हमेशा कहते थे नागरिकता देने का कानून है। हाँ। ये लेने का कानून नहीं है। तो 2+2 इन्होंने तो 22 बता दिया था, इन्होंने कहा मुसलमान खतरे में है, उनकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, अब इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ा। आज हम लोग उचित बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए, आपके साथ ही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर चौतरफा जो है अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपने सुन लिया क्या क्या आरोप लगाए गए हैं? ठीक उन्हीं आरोपों पर जवाब दीजिएगा अनुराग जी, क्रोनोलॉजी समझिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बेबसी, लाचारी, परेशानी सब झलक रही है, कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। भैया, आपके फर्स्ट फेज सेकेंड फेज के बाद आपको हार पूरी तरह सामने आंख बाए खड़ी है और वो हार आए निगल रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो इनको लग रहा है कैसे करें, अब तो कोई मुद्दा मेरे पास है नहीं, जो जनता का मुद्दा उस पर तो मैं बोल ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जनता का मुद्दा क्या है उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। तो कहां आप आ पाए? अरे वाह 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 वाह, वो अंग्रेजों वाली नीति लाओ भाई, डिवाइड एंड रूल, समाज के अंदर कुछ ऐसी नफरत की बात करो। कमाल है भैया, हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब हिंदुस्तानी, और सब एक ही बात कह रहे हैं। आप मुद्दे की बात है महंगाई बेरोजगारी, जिस पर चर्चा कीजिए, आप किसान पे बात कीजिए, महिला समस्या पे बात कीजिए, जो आप बोलना नहीं चाहते। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम कमजोर महिलाओं को 3,000 रुपए पेंशन देंगे, क्या आप चर्चा करेंगे उस पर? हमने लिखा है कि हम 5,000 देंगे जिसकी 2.5 एकड़ से कम जमीन, क्या चर्चा करेंगे? हमने लैपटॉप देने की बात की है, क्या चर्चा करेंगे? हमने बात की किस तरह से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, कान खोल के सुन लीजिए, क्या चर्चा करेंगे आप? कोई नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने कोई वादे पूरे नहीं किए। इसलिए आजकल नेता गली में जाते हैं, तो मेरा एक मित्र मेरा रूबिका जी कल, और मित्र से मैंने पूछा, मित्र मुझे मिला, बोला कि एक नेता जी मेरी गली आए, तो मैंने कहा तुमने क्या कहा उससे? तो उसने बोला कल शाम आया मेरी गली एक नेता, आके बोला दे दो फिर से मुझे वोट। मैंने बोला जनता का दर्द भी ले जा, किसानों का कर्ज भी ले जा, युवाओं की परेशानी भी ले जा, कोरोना की निशानी भी ले जा, छात्रों की उदासी ले जा, महिलाओं की बेबसी भी ले जा। वो सन्नाटे में आया,
उसने हाथ जोड़ा, मैंने बोला बाय 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 बाय, चला गया। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्योंकि वो मुद्दों पे वोट मांगना नहीं चाहते। जैसे ही नेता के पास जाते हैं लोग उनको बाय 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 कर रहे हैं। इनका बाय बाय हो चुका है, बाय बाय हो चुका है। अब जिन्ना की मजार पे फोन किया था, छुपाने की जरूरत नहीं, ठीक है, जिन्ना की मजार तक ले आए हैं, साफ हो गए। ऑलराइट, गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मेरे दो और मेहमान 30 सेकंड में काउंटर। और इनसे पूछिएगा जिन्ना की मजार पे गए थे तो आडवाणी क्या लगते हैं बीजेपी में, सातों जिन्ना की मजार पे जो गए थे। अब शांत करा लीजिए प्लीज रूबिका जी, ये जिम्मेदारी आपकी है, टर्टर ना हो। बाय 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 बाय, देखिए सबसे पहले तो अनुराग जी, रूबिका जी आप तोते को बैठा लीजिए, अरे तोते को बैठाइए, मैं बहुत ही सीरियस डिबेट कर रही हूँ, मैंने सुन लिया आपने वो बाय बाय हाय बाय जो आपका है वो, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं सीरियसली इस मसले पर डिस्कस करना चाहती हूँ, हाँ ठीक है, अभी देख लेंगे ना 4 जून को। गौरव भाटिया, अरे सीरियसली होते तो बस अनुराग जी बस, नहीं किसान की इनकम दुगनी हो गई क्या? हाँ ठीक है, नहीं बोलिए, मणिपुर में बोले, मैंने आपको मौका दे दिया सर, आप उनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। नहीं अनुराग जी, मैं आपको बोलेंगे क्या, सारी बातें मैं पूछ लूंगी, आप सुन लीजिए अनुराग भाटिया प्लीज, बोलेंगे क्या, बोलेंगे जो नहीं बोलेंगे, जिससे पर्चा लीक हो रहे हैं, जिससे भाटिया बोलेंगे क्या, पूछे इनसे पर्चा। चलिए शांत कराएंगी तब बोलूंगा रूबिका जी, मैं यहाँ कोई तोते की टटर सुनने नहीं आया हूँ, एक संतुलित डिबेट जिसमें सम्मान बना रहे ये सुनिश्चित करना आपका काम है, जब आप कहेंगी मैं तब बोलूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हाँ रूबिका जी, सबसे पहले 7 फेज में जितनी कुल सीटें टूटी फूटी साइकिल की आएंगी, उतनी सीटें उसके 20 गुना ज्यादा पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, क्योंकि जो हमारी जानकारी है जनता कह रही है कि इनकी साइकिल का टायर हो गया है पंचर, उसमें हवा नहीं रही है, साइकिल गई टूट, जनता गई रूट, सपा में पड़ गई फूट, ठीक है। दूसरी बात, बीच में ना बोले, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कहा कि आमदनी दुगनी, तो इनको ये भी नहीं पता है कि वाकई आमदनी दुगनी हो गई 10 साल में, 76,000 रुपए थी वो 1.5 लाख क्रॉस हो गई, आमदनी दुगनी हो गई, लेकिन पढ़ने लिखने में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, देखिए रूबिका जी, 27 रुपए शांत करा लीजिए, रूबिका जी प्लीज ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, इनको या तो शांत कराइए, अनुराग जी मैं ऐसे चर्चा नहीं करूंगा। आपने आपने पूरा अपना आपने पूरा अपना वो सुरताल लगाकर गाना गाया, किसी ने बीच में आपको टोका? किसी ने नहीं टोका ना अनुराग जी, मैं बहुत सीरियसली आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अब सुन लिया ना आपके बाय बाय, अब मैं आपको बाय बाय करूँ, इससे अच्छा है कि आप शांत हो जाइए, रुक जाइए, रूबिका करे बाय बाय, अच्छा लगेगा क्या? बाय बाय कर रही है, अब रुकिए ना, मैं मौका दूंगी आपको। गौरव भाटिया, जनता ने बाय बाय कर दिया, 10 सेकंड सर, और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, दो और मेहमान है मेरे। लेकिन मुस्लिम लीग से तुलना करना, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर आना, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि पहले और दूसरे फेज में वोटर टर्नआउट ना आना मतलब आप लोगों का भारी नुकसान। 20 सेकंड संक्षिप्त। रूबिका जी, हमारा तो सारा वोटर घर से निकला है और 400 पार एनडीए की होंगी, 370 प्लस भाजपा की होंगी, इनका वोटर नहीं निकला क्योंकि वो जानता है कि ये पंचर साइकिल कहीं पहुंचेगी नहीं। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है नाराजगी क्या है जनता में? सपा के अपने लीडर और अपने वोटर कह रहे हैं, इनकी पार्टी जब से बनी है 40 साल से ज्यादा हो गए, इन्होंने आज तक यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दिया, ये पिछड़ों की बात कैसे करेंगे, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, 4.5 करोड़ मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है कितने प्रत्याशी हैं मुसलमान? 4, और यादव परिवार से अकेले 5 प्रत्याशी हैं। तो आप मुझे ये बताइए, 4.5 करोड़ मुसलमानों पे उत्तर प्रदेश के, देश के 20 करोड़ मुसलमानों पे, एक परिवार के 5 यादव परिवार के सदस्य अगर अपना नामांकन भरते हैं, तो क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी कि तुम्हारे परिवार में ऐसे कौन से हूर के पर लगे हैं कि तुम उनको टिकट देते हो, बाकी बात करते हो मुसलमान की पर उनके लिए कुछ करते नहीं? ठीक है, बात केवल मुसलमानों की करते हैं, जब टाइम आता है आप उनसे वोट तो ले लेते हैं अनुराग जी, भर भर कर वोट देते